की वीडियो में हम एक 4.8 वोल्ट बैटरी बनाने वाले आरसी टॉयज के लिए। इस प्रकार की बैटरी आप ऑनलाइन मंगा दो तो आपको महंगी पड़ेगी। इस प्रकार की बैटरी को हम घर पे बनाने वाले हैं। सबसे पहले आपको जाएगा एक आपको मार्केट में सेल मिल जाएंगे 1.2 वोल्ट के सेल हैं, आपको कैमरा की शॉप से मिल जाएंगे। पहले भी हमने बनाए थे बैटरी बनाई थी उसमें 3 सेल का यूज़ किया था क्योंकि वो 1.5 वोल्ट का सेल था, उसमें 3 सेल का यूज़ किया था। इसमें हम 4 सेल का यूज़ करके एक ऐसी बैटरी बनाने वाले हैं पूरी कंप्लीट इस प्रकार की बैटरी आरसी टॉयज के लिए। तो आप इसे आसानी से घर पर बना सकते हो। वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हो। तो आप इसे ऑनलाइन नहीं मंगाना पड़ेगा, आपको किसी भी टॉयज में आप यूज़ कर सकते हो। इस प्रकार की बैटरी आप घर पर बना सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, मैं इसको साइड में रखता हूँ, इस प्रकार की हम बैटरी बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इन सेलों को इस प्रकार से रखना है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल्स आप देख सकते हो इस प्रकार से रहेंगे, ये सारे पॉजिटिव हो रहे हैं, ये नेगेटिव रहेंगे। तो हमको ये सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, ये इससे इसका प्लस और इसका माइनस वाला, और इस वाले का इस साइड पे प्लस और इसका माइनस, इस प्रकार से आपको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा जब हमारे ये 4.8 वोल्ट की बैटरी पूरी कंप्लीट होगी। तो हम सबसे पहले इनको चिपका लेते हैं इस प्रकार से रख के। आपको सीरीज प्रकार से आप देख सकते हो इसका प्लस और इसका माइनस रहेगा इस प्रकार से। तो आपको इन चारों सेलों को इस प्रकार से रख लेना है, आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ इस प्रकार से रख के। तो दोस्तों आप इस प्रकार से आपको सेलों की पूरी कंडीशन कर लेनी है। आप देख सकते हो इसका माइनस वाला आ रहा है यहाँ पे, इसका प्लस और इसका माइनस और इसका प्लस। तो इस प्रकार से रख के हम मैं इनको फेविक की सहायता से चिपका देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से इसके कनेक्शन करने हो। आप देख सकते हो इस प्रकार से मैंने इसको टेप से भी चिपका लिया है, आप देख सकते हो। तो आपको कनेक्शन सबसे पहले दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम दो वायर जोड़ लेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव, फिर आपको बताता हूँ इस प्रकार से आपको कनेक्शन करना है इसका। तो ये देख सकते हो मैं इन दोनों वायर का यूज़ कर रहा हूँ, एक वाइट और ब्लैक, आप इसकी जगह रेड और ब्लैक का भी यूज़ कर सकते हो। तो इनको मैं यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो, सबसे पहले मैं आपको पॉजिटिव पे यहाँ पे इसको एक वाइट वाले वायर को सोल्डर कर दूंगा और नेगेटिव वाला को इस पर करूँगा, और इन दोनों बीच के सेल को किस प्रकार से कनेक्शन देना है मैं आपको बताऊँगा पूरा वीडियो में। तो आप देख सकते हो मैंने लगा दिए हैं, देख सकते हो आप प्लस और माइनस वाला, तो इन दोनों को किस प्रकार से कनेक्शन करने हैं नीचे तो मैं आपको पूरा वीडियो में बताऊँगा। तो आप देख सकते हो इसका प्लस इस वाले का और इसका माइनस, इन दोनों को साथ में कनेक्ट कर देना है, और इसका माइनस और इसका प्लस वाले दोनों साथ में कनेक्ट कर देना है, और आप देख सकते हो इसका माइनस और इसका प्लस दोनों साथ में कनेक्ट कर देना। किस प्रकार से कनेक्ट करना है दोस्तों, आप इस पर सोल्डरिंग करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने ये देख सकते हो हमारा वायर भी निकल चुका है यहाँ पे, तो इसको मैं सोल्डर कर देता हूँ और इन दोनों को यहाँ पे इस वाले वायर से सोल्डर करूँगा। आप देख सकते हो बिना इंसुलेशन वाला वायर है हमारे पास, तो इसको इन दोनों को इस प्रकार से कनेक्ट करना मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इसका माइनस और इसका प्लस वाले को रखकर इस प्रकार से सोल्डर करना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले मैं इस वाले को नेगेटिव वाले को यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, फिर इन दोनों को यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, फिर आपको इन दोनों को भी कनेक्ट करूँगा, इन दोनों को कनेक्ट करूँगा, फिर सब आपको दिखाऊँगा वीडियो में, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, आप इसे आसानी से घर पर बना सकते हो। हाँ दोस्तों देख सकते हो हम बैटरी कंप्लीट हो चुकी है। इस प्रकार से कनेक्शन करने ये हमारा पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव। तो आप देख सकते हो इस वायर सेल से जाकर हमारे इस सेकेंड वाले सेल के पॉजिटिव में लग रहा है आप देख सकते हो, और इसके नेगेटिव से इस वाले थर्ड सेल के पॉजिटिव में, और थर्ड सेल के नेगेटिव से चौथे सेल के पॉजिटिव में देख सकते हो आप, ये हमारा इस प्रकार से कनेक्शन रहेगा। तो आप इस प्रकार से इसे आसानी से घर पर बना सकते हो। मैंने आपको उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आ चुका होगा यहाँ पे। तो इसको पैक कर देता हूँ मैं पूरा, आप देख सकते हो हमारे पूरा कंप्लीट है। तो इसको पैक करने की डेयर है, तो मैं इसको पैक कर देता हूँ, फिर आपको इसको टेस्टिंग करके बताऊँगा और किस प्रकार से इसको चार्ज करना वो भी बताऊँगा। तो मैं इसको पैक कर लेता हूँ सबसे पहले। हाँ दोस्तों आप देख सकते हो हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, आप इस प्रकार से पैक कर सकते हो इसे टेप की सहायता से। तो मैं आपको इसको चला के दिखा देता हूँ, ये हमारे पॉजिटिव वाला रहेगा और ये नेगेटिव वाला रहेगा। तो आपको इसे चार्ज करने के लिए सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, आप किसी भी ओल्ड चल्लू चार्जर का यूज़ कर सकते हो इससे, या आप इसे बनाते हो आरसी टॉयज के लिए तो आप उसी का कनेक्टर जगह हमने प्लस और माइनस के लगाए थे वायर, उसकी जगह उसको कनेक्टर लगा सकते हो। इस प्रकार यहाँ पे कनेक्टर लगा हुआ था तो मैंने इसको काट दिया था। इस प्रकार से इसी का कनेक्टर आप यूज़ कर सकते हो, फिर आप इसे घर पर बनाते हो आरसी टॉयज के लिए तो आप उसका कनेक्टर यूज़ कर सकते हो, उसके चार्ज से इसे चार्ज कर सकते हो बैटरी को, तो ये आपकी पूरी उससे चार्ज हो जाएगी। आप इसे ही बनाते हो, इसे आरसी टॉयज के लिए नहीं बनाते हो, किसी यूज़ के लिए बनाते हो, तो आप इसे 5 वोल्ट के चार्ज से चार्ज कर सकते हो, मोबाइल चार्ज से, ओल्ड मोबाइल चार्ज से। तो आपको मैं इसको चला के दिखा देता हूँ, ये लाइट है हमारी, तो इसको मैं चला के दिखा देता हूँ इस लाइट को, इससे किस प्रकार के चलेगी। तो दोनों वायर को मैं छील लेता हूँ, फिर आपको इसको चला के दिखा देता हूँ। हाँ दोस्तों मैं आपको इसको चला के दिखा देता हूँ, ये हमारा देख सकते हो एलईडी लाइट, तो इसका ये माइनस और ये प्लस आप देख सकते हो,
ये हमारी लाइट पूरी वर्किंग कंडीशन में आप देख सकते हो, इस बैटरी से ही चल रही है, कोई एक्स्ट्रा वायर नहीं आ रहा है। जैसे तो आप देख सकते हो ये हमारी यहाँ पे लाइट लगी हुई, इसलिए इसका लाइटिंग आपको कम दिख रही होगी। देख सकते हो आप ये हमारी वर्किंग है पूरी। तो आप इसे किस प्रकार के खिलौने में यूज़ कर सकते हो, तो मेरे पास अभी कोई ऐसा फिलहाल में कोई खिलौना नहीं है, तो मैं आपको इसे चला के नहीं दिखा सकता हूँ। ये हमारी पुराने खिलौने की बैटरी है, वो खिलौना टूट चुका है, तो इसलिए मैंने बाहर निकाल ली थी। तो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और चैनल बनाए हो चैनल सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को दबा देना।